हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो द यूनिकॉर्न चैनल। आज का हमारा रिव्यू है दी स्मार्ट ब्रेसलेट पे। ये एक वॉच है जो कि हमें एक लोकल टाइप में मिल जाती है। इसकी कंपनी है ग्रोहस कंपनी की तरफ से आने वाली एक स्मार्ट वॉच है। ये हमें 450 में पड़ी और इसमें आपको बहुत फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। 450 के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है। आप देख सकते हो इस टाइप की पैकेजिंग में थी। अंदर ये बॉक्स मिला वॉच का, ये वॉच का डायल और वो बेल्ट्स वॉच के। तो ये है, पहले यहाँ देख लेते हैं इसके ऑप्शंस। ये फंक्शंस दिए गए हैं यहाँ हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्ट्रैप्स, इनकमिंग कॉल्स पिकअप करती है, चैट कर सकते हैं, ट्विटर भी है, फेसबुक भी है, अलार्म क्लॉक भी है, फ़ोटो कंट्रोल, सेडिमेंट्री रिमाइंडर और माइलेज भी कंट्रोल करती है। और इसका ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे मिल जाएगा। ये आपको ब्लैक, पर्पल, ग्रीन, ब्लू और रेड कलर में मिल जाएंगी। और ये मेड इन चाइना है वॉच, बट फिर भी वैल्यू फॉर मनी है। और इस पर 3 साल की वारंटी आपको मिल जाती है। तो देख लेते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या मिला। मैं आपको इसका जो हमें ये मिला था कुछ सामान, स्टिकर्स वगैरह, वो नहीं दिखाऊंगी। हम सिर्फ वॉच का रिव्यू लेंगे। अगर आपको देखना है तो अनबॉक्सिंग वीडियो में आपको मिल जाएगा, जो कि हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे अपलोडेड है, इसी चैनल पे। तो आप देख सकते हो सर्कल डायल की कुछ इस टाइप की वॉच है ये, और इस पर एक स्टिकर है जिसको हमको ओपन करना पड़ेगा। तो इस टाइप का ये स्टिकर है, सर्कल डायल है, बट जो स्क्रीन है वो स्क्वायर देख सकते हो। तो ये आपकी फर्स्ट टाइम में चार्ज होंगी नहीं, बिकॉज आपको इसको चार्ज करना पड़ेगा, फिर ऑन हो जाएंगी ये। और उसके बाद ये देखिए सर्कल डायल है, और यहाँ जो है इसका चार्जिंग पॉड है। इसको डायरेक्टली आपको अडेप्टर में लगाना पड़ेगा, वो भी हम आपको आगे करके दिखाएंगे। और यहाँ जो बेल्ट है वो लगाने के लिए है। हमें इसमें 2 स्ट्रैप्स देखने को मिल जाते हैं। तो इस टाइप के स्ट्रैप्स है, नायलॉन के स्ट्रैप्स है ये, आप देख सकते हो। तो आप वॉच की तरफ आ जाते हैं। ये है हमारी वॉच, तो आप देख सकते हो इसको ऑन करने पे ये कुछ इस टाइप का वॉच फेस दिखा रही है। तो अब आगे देखते हैं। मैं ये इसे यूज्ड है इसलिए ये 715 स्टेप्स दिखा रही है। एक्चुअली आज सुबह ये आई और अभी दोपहर हो रही है और मैं इसका वीडियो डाल रही हूँ। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ आपको स्क्रीन टच नहीं मिलेगा, आपको नीचे की तरफ एक बटन मिलेगा। आई थिंक आपको दिख रहा होगा बटन, यहाँ पे एक सर्कल बटन दिख रहा होगा आपको, उससे ये वॉच चलती है। उस पर आपको टच करना पड़ेगा। एंड इसमें हमें फंक्शंस तो बहुत दिए गए हैं। यहाँ पे टच करने का फर्स्ट फंक्शन है स्टेप काउंटर, 715 स्टेप्स, 10 कैलोरीज और माइलेज और किलोमीटर दिखाती है वॉच। और इसके आगे ये है हार्ट रेट, BPM वगैरह। इसको अगर स्टार्ट करना है तो कंटिन्यू प्रेस करना पड़ेगा उस बटन पे। तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से मेजर कर लेती है और एक्यूरेट मेजर करती है। हम आपको आखिरी में दिखाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज लास्ट में ही हम आपको इसको चार्ज करके दिखाएंगे। और एक बार बटन दबाने पर ये ऑफ हो जाता है। और ये स्पोर्ट्स मोड, इसमें भी आपको एंटर करने के लिए प्रेस करना होगा बटन पर। और फर्स्ट मोड है हमारा रनिंग का, सेकेंड है स्किपिंग का, थर्ड है फ्री स्टाइल पुशअप्स, और फिर वो वही से वही पे आ जाता है। हमें इसमें 3 ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कैलोरीज मेजर करता है ये, यहाँ टाइम मेजर करता है, एंड ये ऐसे चेंज होता है बटन दबाने से। तो इसके बाद हमें मिलते हैं मैसेजेस, इसको कंटिन्यू प्रेस करने पर अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए व्हाट्सएप की तरफ से मेरा मैसेज आ चुका है, 7 मैसेजेस आ चुके हैं, 2 चार्ट्स है। एंड इसके आगे हमें मिलेगा म्यूज़िक ऑप्शन, कंटिन्यू प्रेस करने पे एंटर, और जब हम सिंगल टाइम बटन दबाएंगे तो ये मूव करता है बटन, आप देख सकते हो। और इसको कंटिन्यू प्रेस करने पे ये इसमें से एग्जिट भी हो जाएगा। ये कभी कभी इसमें थोड़ी प्रॉब्लम भी आ जाती है, ये एग्जिट ही नहीं ले पाता है। एंड तो हम इसमें से एग्जिट कर चुके हैं। इसके आगे सेटिंग्स का ऑप्शन, इसको कंटिन्यू प्रेस करने पे आ गया। और यहाँ हमें मिलता है स्लीप रिमाइंडर, मीन्स आप कितने घंटे से हो आप वो देख सकते हो। यहाँ वेदर दिखा रहा है कितने सेल्सियस है, और ये एक्यूरेट दिखा रहा है। मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगी वीडियो के। और यहाँ पर आपको ये कैमरे का ऑप्शन मिल जाएगा, जब आपको इसको, आप इसको आपके रिस्ट पे रख के ऐसे मूव करोगे तो आपका जो मोबाइल है उसको सिग्नल पहुँचेगा और फोटो क्लिक हो जाएगा आपका। और इसके आगे लुकिंग फॉर, जब हम इसे कंटिन्यू प्रेस करते हैं तो
तो ये कुछ ऐसा दिखाता है जिसके बाद हमारी मोबाइल जाती है और वो कंटिन्यू बजते रहती है, और ये बहुत सेफ और सिक्योर है। अगर आप इसको अपने चाइल्ड को देना चाहते हो तो फिर तो ये बहुत सिक्योर है, बिकॉज वो आपको कभी भी कॉल कर सकता है। इसके आगे का ऑप्शन है रिसेट, और ये फैक्ट्री की तरफ से हमें मिलता है एनालाइज वॉच, तो रिसेट हम कभी क्लिक नहीं करेंगे। इसके आगे स्विच ऑफ का ऑप्शन है, और अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको कुछ और डिटेल्स मिल जाएंगी। और ये हम बाहर आ गए और ये वापस हमारे स्क्रीन पे। कंटिन्यू प्रेस करने पे ये हमारा वॉच फेस बदलती है, और आप इसमें कस्टम वॉच फेस भी लगा सकते हो, जो हम आपको लास्ट में दिखाएंगे कि हम कैसे इस पे हमारा खुद का इमेज रख सकते या कुछ और भी रख सकते। तो अब बारी आती है इसके पीछे की साइड देखने में कि यहाँ पे क्या क्या सेंसर्स है। तो यहाँ एक सेंसर दिख रहा होगा जो हार्ट रेट के वक्त चल रहा था, तो इस टाइप का सेंसर है। इस पे स्क्रीन लगी हुई है ताकि गिरे तो टूटे ना। और अब हम इसे यहाँ से चार्ज करेंगे, तो लेट्स गो फॉर चार्जिंग। एंड ये हमें अडेप्टर से, यहाँ से अपने खुद के अडेप्टर से पिन निकाल के यूज़ करना होगा, बिकॉज इसके साथ कोई अडेप्टर आता नहीं है, मैग्नेटिक चार्जिंग सपोर्टेड नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसको जो इस साइड का है, यहाँ येल्लो येल्लो है, आपको समझ में आ जाएगा, ये स्ट्रैप है और ये चार्जिंग पॉइंट है। तो इसको ऐसे रख लेना है, अंदर चेक कर लीजिए आप, ये उल्टी भी जा सकती है आपके अडेप्टर में या सीधी भी, मेरे में सीधी जाती है। तो इसको अंदर की तरफ पुश कर देना है, तो आप देख सकते हो ऐसी सेट हो गई है, और इसका गिरने का कोई चांस नहीं है, बिकॉज ये अच्छे से सेट हो जाती है इस पर। और अब हम इसे लगाएंगे पॉड में, तो हम आ जाते हैं अपने पॉड पर। कुछ इस टाइप से हमें इसे लगाना है। एंड अब यहाँ से आप जब बटन ऑन करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ स्क्रीन पे चार्जिंग का ये मिल जाएगा आपको। ये देखिए ऑप्शंस भी चल जाते हैं ड्यूरिंग चार्जिंग, बट आपको देखिए यहाँ अपर साइड में चार्जिंग देखने को मिल रही होंगी, ऊपर की तरफ यहाँ नीचे आपको 1% चार्जिंग बाकी है। और हम आपको थोड़ी देर बाद भी दिखाएंगे जब ये चार्ज हो जाएंगी। अब देख सकते हो पहली मेरी अच्छे से लगी नहीं थी, अब लग चुकी है, तो ये चार्जिंग दिखा रही है और नीचे ये टाइम दिखाती है हमें, ऊपर ये चार्ज हो रहा है। और यहाँ हमें एक सिंपल सा चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिलता है, जो कि बहुत है प्राइस के हिसाब से। ये देख सकते हो आप, कुछ इस टाइप से एनिमेशन देखने को मिलता है, और इस टाइप से चार्ज हो जाती है। आप जैसे ही बटन ऑफ या ऑन करोगे इसमें एक वाइब्रेशन फील होंगी और ये चार्जिंग बंद हो जाएगी। जैसे कि अब ऑन किया तो चार्ज हो रही है, ऑफ़ किया तो चार्जिंग बंद। ऐसे आप कितने भी बार करो। तो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। एंड मेनी टाइम्स क्या हो जाता है, बहुत लोग इसे बहुत ऐसे इससे पावर से पीछे खींचते हैं तो ये टूट सकता है। आपको सिंपली इसको अंदर डालना है, एक आवाज़ आएगा क्लिक साउंड, और इसको सिंपली निकाल लेना है। तो अब आ जाते हैं हमारे स्ट्रैप लगाने वाली साइड पे। तो आपको जैसे पता है ये स्ट्रैप हमेशा अपर साइड में लगता है, तो इसको ऐसे करना है, और आपको इस पर थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये थोड़ा हार्ड होता है। आप देख सकते हो ये हमारा स्ट्रैप लग चुका है। अब ये नेक्स्ट स्ट्रैप आ जाएगा हमारा, जो कि हम लगाएंगे नीचे की तरफ। एंड आपको पहले इसको सेट करना है, और वॉच को इस तरह से पकड़ के प्रेशर देना है अंदर की तरफ, तो इस तरह से ये आ जाता है। तो इस तरह से ये वॉच लुक देती है, आप देख सकते हो कितना कूल लुक देती है। एंड वैल्यू फॉर मनी है, 450 रुपीज़ में बहुत अच्छी वॉच मिली। एंड ये वैसे एक्चुअल प्राइस इसकी 400 रुपीज़ है, ये हमें 50 डिलीवरी चार्ज पड़ा। एंड आप देख सकते हो स्ट्रैप्स वगैरह भी अच्छे हैं, फ्लेक्सीबल स्ट्रैप्स है, गिरेंगी तो कुछ होगा नहीं इसको, अच्छी वॉच है। और यहाँ स्क्रीन गार्ड वगैरह मेंशन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये गिरेंगी भी, इतने ऊपर से भी ये गिर गई तो कुछ होगा नहीं इसको। और हम इसका ड्रॉप टेस्ट नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। अगर इस वीडियो पे 10K लाइक्स आ गए तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका ड्रॉप टेस्ट करेंगे, वो भी हम इसे गिराएंगे 2nd फ्लोर से, तो देखते क्या हाल होगा। और इस पे से एक गाड़ी का व्हील भी ले जाएंगे चक्का। तो जल्दी से जल्दी हमारे 500 सब्सक्राइब्स और 10K लाइक्स इस वीडियो पे कर दीजिए।
आप यार सपोर्ट नहीं करते हो, हम इतनी मुश्किल से ये सब सेट करते हैं आपके लिए, ये हमें स्टेबल वगैरह लाना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह सेट करना पड़ता है सब, एंड आप लाइक्स ही नहीं करते हो, व्यूज़ देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो यार, बहुत मेहनत लगती है एडिटिंग में, वीडियो बनाने में प्लीज़। और हमारे पास स्टैंड वगैरह नहीं है, कैमरा मैन के हाथ धुल जाते हैं ये बनाते बनाते, तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो अगर आपको ये वॉच पसंद आई तो मैं इसकी बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ये एक बहुत सिंपल लुकिंग वॉच है बट ये बहुत सेफ़ एंड सिक्योर है। अगर आप अपने चाइल्ड को ये देने का सोच रहे हो तो इसमें एक कॉल ऑप्शन भी है, आपका चाइल्ड कभी प्रॉब्लम वगैरह में हुआ तो आपको कॉल कर सकता है। तो इसका ओवरऑल लुक तो आप देख चुके हो, तो प्लीज़ यार वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो। आप वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, तो पहले लाइक करो, उसके बाद हम आपको आगे का वीडियो दिखाएंगे कि हमने कैसे इसमें स्क्रीन गार्ड वगैरह अप्लाई किया। तो अगर आपको इसका स्क्रीन गार्ड अप्लाई करने वाला वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इस पे हमारे 10K लाइक्स और 500 सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं एंड आप लाइक्स एंड सब्सक्राइब ही नहीं करते, कैसा हो यार आप? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। इतनी अच्छी वॉच हमने इतनी कॉस्टली बाई की है सिर्फ रिव्यू के लिए, आपके रिव्यू के लिए, वरना हमारे पास पहले से एक नॉइस की वॉच थी। अच्छा हाँ, नॉइस की वॉच का रिव्यू भी हमारे चैनल पर मेंशनड है, आप उसे भी देख चेकआउट कर सकते हो। वो हमें पड़ी 2000 में जबकि ये हमें पड़ी 400 में, तो दोनों ही वैल्यू फॉर मनी है, बस ज़्यादा ऑप्शंस मुझे इसमें लगे प्राइस के हिसाब से। बहुत सही वॉच है यार, ये अमेजिंग वॉच है, आप इसे ज़रूर ख़रीदना। और ये हमारा शॉर्टेस्ट रिव्यू था 11 मिनट्स 30 सेकेंड्स का। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, आप लाइक ही नहीं करते हो, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।